हाय एवरीवन कैसे हैं सभी तो आज के सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं ऐसी फाइव ऑसम टिप्स आपकी क्लास टेंथ के लिए सबसे पहले तो बहुत ही बड़ा सा कंग्रेचुलेशन कि तुम लोग अपना क्लास नाइन्थ को क्रॉस करके क्लास टेंथ में आ चुके हो और अब मैं अगर बोलूँ क्लास टेंथ मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं को दी जाती है जो लोग बड़े हो जाते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो तुम लोग अब थोड़े से बड़े हो गए हो ठीक है क्लास नाइन्थ की जो इनोसेंस थी क्लास नाइन्थ के साथ जो बच बचपन था हमारा और जो बचकानी हरकतें हम करते थे वो थोड़ी सी हमें थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी क्योंकि अब हमारे ऊपर आ गई हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्योंकि अब हमें बोर्ड्स देने हैं अब हम थोड़े से सीरियस हो गए हैं लाइफ को लेकर के अब थोड़ा सा नजरिया हमारा बदल जाना चाहिए सो क्लास टेंथ कैसे शुरू करें क्या करें क्या क्या होता है कैसा होता है जर्नी कैसी होने वाली है ये सारी चीजें दिमाग में आ रही होंगी तो ऑब्वियस सी बात है आपको काफी गाइडेंस यहां तक मिल चुकी है जर्नी बहुत ही ज्यादा मजेदार बहुत ही ऑसम awesome होने वाली है तुम लोग इसे बहुत ज्यादा अच्छे से इंजॉय करने वाले हो अब इस जर्नी में ना कुछ ऐसे मैं आपको फाइव टिप्स देना चाहती हूँ जो आपकी इस जर्नी को और भी ज्यादा मजेदार बना देंगे एंड आई नो कि इस जर्नी के एंड में हम सबका जो टारगेट है सबका से मेरा मतलब है हाँ मेरा भी क्योंकि मैं भी तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ सो एज अ टीचर बींग टीचर अपने स्टूडेंट्स का जो टारगेट है उसके साथ ही मेरा टारगेट अलाइन कर रहा है कि हम लोगों को इस जर्नी के एंड में क्या करना है हम लोगों को चाहिए बेस्ट रिजल्ट ताकि हम अपने मम्मी पापा को और अपने दोस्तों को भाई बहनों को सबको जो है प्राउड फील करवा सके है ना सो so, वो टारगेट अचीव करने में मैं मदद करने वाली हूँ उस टारगेट को अचीव कैसे करेंगे वो टिप्स क्या है तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के सो टिप नंबर जो है है वो ये है कि बिगिन अर्ली जो बहुत से स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा अभी अभी क्लास नाइन्थ मैंने खत्म करी है बहुत प्रेशर था बहुत कुछ उसमें पढ़ना था तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं और फिर उसके बाद करेंगे शुरू यार बहुत से बच्चों के दिमाग में यहाँ पर ये वाला एक डाउट भी आता है जो मेरे दिमाग में भी आता था कि बोर्ड्स देने से पहले हमारे बहुत बारी प्री बोर्ड्स हो जाते हैं तो प्री बोर्ड्स के टाइम पे पढ़ना चालू करेंगे प्री बोर्ड्स में प्रैक्टिस हो जाएगी तो बोर्ड्स हमारे अच्छे जाएंगे यहां पर मैं तुम्हारे थॉट्स को थोड़ा सा ब्रेक लगाना चाहती हूं और मैं एक्सपीरियंस भाई हमने क्लास टेंथ पार कर लिया तो मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना कि कभी भी लेट स्टार्ट मत करना लेट स्टार्ट वो एंड मोमेंट पे इलेवेंथ हार पे जो प्रिपरेशन स्टार्ट करता है वो वो बच्चे होते हैं जो केवल टारगेट करके चलते हैं कि मैं बस पास हो जाऊं जिनके लिए टेंस इतनी सीरियस नहीं होती है जो अभी भी क्लास नाइन्थ के फेज से बाहर नहीं आ पाए उस से बाहर नहीं नहीं आ पाए जो इस को नहीं समझ रहे हैं और जो इसकी सीरियसनेस को नहीं पकड़ पा रहे हैं वही बच्चे लास्ट में शुरू करते हैं ठीक है हमारा जो टारगेट है जैसे कि मैंने बताया उसको हमेशा अपने दिमाग में रखना और याद रखना कि जितना जल्दी प्रैक्टिस आप शुरू कर दोगे जितनी जल्दी आप अपनी उस जंग की तैयारी शुरू कर दोगे उतने बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस होगी सो अगर समझ में नहीं आ रहा है कब शुरू करें कैसे शुरू करें तो बस क्लास टेंथ में तुम आ चुके हो बहुत हो गई अब हंसी मजाक खूब हंसी मजाक अभी भी होगा लेकिन सीरियसनेस के साथ होगा हम अपनी पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज करके वो हंसी मजाक नहीं कर सकते हैं सो जितना जल्दी शुरू करते हो उतना बेहतर है आपके पास यहां पर सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं मैंने ये बात बार बार कही है और मैं दोबारा से कहना चाहती हूं क्लास नाइन्थ तक हम लोग बहुत ही मूडी चूजी सब कुछ रहते थे वो बचपने की बचकानी हरकतें रहती थी कि ये सब्जेक्ट नहीं पसंद है इसमें जस्ट पास हो गए ये सब्जेक्ट पसंद है इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आए यहां पर क्लास टेंथ की परसेंटेज मैटर करेगी तुम्हारी पर्सनालिटी के लिए मैटर करेगी तुम्हारा एक मार्क बनाने में आ, मदद करेगी सोसाइटी में तुम्हारे लोगों में तुम्हारे दोस्तों में तुम्हारे सर्कल में तुम्हारी पहचान बनाने में मदद करेगी हम बात नहीं कर रहे दुनिया की हम तुम्हारी बात कर रहे तुम्हारे कॉन्फिडेंस में तुम बारहवीं का जब बोर्ड देने जाओगे उसमें मदद करेगी तो जल्दी शुरू करो बढ़िया तरीके से शुरू करो परसेंटेज जो है वो सभी सब्जेक्ट्स को ध्यान में रख करके बढ़िया परसेंटेज बनेगी केवल इंग्लिश केवल मैथ्स केवल साइंस पढ़ लेने से आप अच्छा रिजल्ट नहीं डिलीवर कर सकते आपको सभी सब्जेक्ट्स पर ध्यान देकर के चलना है ये अपने दिमाग में जरूर रखेंगे और पता बिगिन आ, अर्ली ये जो हमारा टिप नंबर वन है इसका एक फायदा होता है लास्ट मोमेंट पे जो बच्चा पढ़ने बैठता है प्रेशर में पढ़ने बैठता है डर होता है बहुत ज्यादा घबराहट हो रही होती है टाइम के साथ आप फाइट कर रहे होते हैं क्योंकि अब आप टाइम आपके पास ज़्यादा बचा नहीं होता है आपको रिजल्ट देना है कम से कम समय में और उस प्रेशर में हम कभी भी ना अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड नहीं रख पाते हैं। जब हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ जब हम प्रॉपर रिलैक्स प्रॉपर कूल माइंड के साथ जितना हम अच्छे से परफॉर्म करते हैं ना उतना कभी भी प्रेशर में नहीं हो पाता प्रेशर में बस टेंशन होती है कदम लेने की सही जा रहा है गलत जा रहा है ये जज नहीं कर पाते ली का सबसे अच्छा आपके पास फायदा यह होगा कि आप अपनी गलतियां भी करते हो ना तो आपके पास इतना टाइम होगा कि आप उस गलती से सीख करके दोबारा शुरू करके बेहतर तरीके से स्ट्रैटेजी अपनी टेस्ट कर सको स्ट्रैटेजी एक फेल हुई दूसरी स्ट्रैटेजी पे आ सकोगे दूसरी फेल हुई तीसरी पे आ सकोगे लेट स्टार्ट करने वाले के पास डू और डाई की स्ट्रैटेजी होती है करना है या फिर मरना है सीधा तो आप कभी सीख नहीं पाओगे इस स्टेप में आप सीख सकते हो और आप हल्के तरीके से शुरू करोगे दिमाग को लाइटली लेकर के शुरू करोगे प्रेशर नहीं होगा आप अपनी टेंथ क्लास को केवल एक डर और केवल एक चुनौती के तरीके से नहीं आप इंजॉय कर सकोगे इस मोमेंट को तो इस मोमेंट को इंजॉय करते करते पढ़ाई करना है तो अभी शुरू कर दीजिए स्टेप नंबर टू है हमारा यहां पर कि प्रिपेयर प्रॉपर टाइम टेबल अपने स्टडी टाइम टेबल आपको बना करके चलना है अगर अभी तक तुम लोग कोई स्टडी टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रहे थे अब वो मौका है क्योंकि मैंने जैसे कि बोला आपके लिए सभी सब्जेक्ट जरूरी हैं केवल मैथ्स में बहुत स्मार्ट हूं मैं मैं मैथ्स पूरे दिन पढ़ती हूं लेकिन मैंने कभी पे ध्यान नहीं दिया तो क्या मेरी परसेंटेज अच्छी आ सकती है नहीं परसेंटेज सभी सब्जेक्ट्स को मिला करके बनेगी सभी सब्जेक्ट्स पे बराबर ध्यान दो अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा उसको सहारा बना करके चलो लेकिन वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में आपको कन्वर्ट करना है और इसीलिए जल्दी शुरू करके प्रॉपर टाइम टेबल के साथ अगर आप फॉलो करते हो तभी आप अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर पाओगे और अपनी स्ट्रेंथ को अपनी सपोर्ट बैकबोन बना करके आगे चल पाओगे एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करिए आप अपना टाइम टेबल बहुत हल्का बना करके चलो ताकि तुम्हारे पास इस मोमेंट को एंजॉय करने का भी टाइम बचे एंड आई नो देखो मतलब बहुत लोग आकर के बहुत बातें करके जाते हैं बट स्कूल जो है केवल पढ़ाई के बारे में नहीं है ये एक सीख समझ करके समझो या एक्सपीरियंस के साथ लेकर के चलो स्कूल जब भी याद करोगे अपने उन मोमेंट्स के लिए याद करोगे अपने उन दोस्तों के लिए याद करोगे अपने उस सभी आप अपनी मेमोरीज को याद करोगे तो अगर हमारे पास मेमोरी बनाने का टाइम नहीं बचा तो फिर कौन इंसान अपने स्कूल को याद करने वाला है ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है ये जो नॉलेज है ये आपको लाइफ टाइम हेल्प करने वाली है आपको एक बहुत बेहतर इंसान बनाएगी पर लेकिन हमेशा हार्ड वर्क का ये मतलब नहीं होता कि आप उसे कभी इंजॉय ना करो और वो हमारे लिए हमेशा परेशानी बनकर के आए पढ़ाई हमेशा परेशानी नहीं होती है सही से पढ़े नहीं ना और सही से तैयारी के साथ नहीं चले तो परेशानी ही परेशानी होती है उस रास्ते में लेकिन अगर प्रॉपर प्लान के साथ चले ना तो हम उस स्कूल को जिस तरीके से उस बचपन को उस टाइम को जिया जाता है उस टाइम को उस तरीके से जी पाएंगे हमारा स्कूल लाइफ ऐसे भी अब जो है धीरे 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 खत्म होने को आ रहा है तो हर एक टाइम जो है तुम्हें सेवर करना है अपने अंदर ऐसे लेकर के चलना है कि हमने इंजॉय किया था हमने मस्ती करी थी और उसके बाद देखो हम जो है बहुत बेहतर रिजल्ट भी लेकर के आए थे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ने के चक्कर में मैं कभी वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाया या फिर रह कहते हैं मजे करने के चक्कर में ढंग से मजे भी नहीं कर पाया क्योंकि प्रेशर था लेकर ले चलो, मतलब ले चलो एक दिन में दस दस सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है दस दस चैप्टर्स करने की जरूरत नहीं है यह स्टेप तो वो बच्चा करता है जिसने टाइम टेबल नहीं बनाया जो लास्ट मोमेंट पर तैयारी कर रहे आप अभी शुरुआत करो एक दिन में दो चैप्टर के साथ या फिर आप शुरुआत करो एक दिन में दो सब्जेक्ट्स के साथ कि मैंने जो अपना आज का दिन है वो साइंस को डेडिकेट किया है एक एक चैप्टर खत्म करूंगा आज तीनों फील्ड में से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से कल मैं मैथ्स पढ़ूंगा परसों मैं इंग्लिश को टाइम देता हूं या फिर कल मैं इंग्लिश और मैथ्स को टाइम देता हूं परसों जो है मैं एस को टाइम दूंगा और साथ ही साथ कंप्यूटर को टाइम दूंगा तो दिन में दो सब्जेक्ट्स ले लो हल्की शुरुआत करो प्रेशर मत लो इंजॉय करने का टाइम दो अपने आप को अपने दिमाग को रिलैक्स होने का टाइम दो और इस तरीके से आगे बढ़ो

ठीक है एक बच्चा सबसे बड़ी गलती क्या करता है, कि वो, नहीं करते है फिर लास्ट में वो अपने फ्रेंड्स के घर जाता है नोट्स मांगने के लिए इधर उधर कॉल कर रहा होता है परेशान हो रहा होता है और बहुत सारा टाइम हम परेशान होने में बिता देते हैं सो so, हमें कुछ नहीं करना है हमें सबसे पहले हमारा स्टडी मटीरियल तैयार करना है ठीक है और स्टडी मटीरियल को हमें गो थ्रू करते रहना है और साथ ही साथ एक और चीज याद रखना कि जल्दी शुरू करने का और प्रॉपर स्टडी प्लान होने का और अपने स्टडी मटेरियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इनको तैयार रखने का एक फायदा ये होता है कि आप ना अपनी चीजों को बराबर से बांट सकते हो आपका जो बैकलॉग है आप उसे कवर कर सकते हो आपको सैटरडे संडे मिलता है रिलैक्स करो अपना टाइम रखो उस दिन सैटरडे संडे में कोशिश करो अगर कुछ नया नहीं पढ़ना है क्योंकि यही तो फायदा है कि आप अपने संडे को अच्छे से इंजॉय कर सकते हो अगर आपने जल्दी शुरुआत करी है तो आप संडे के दिन बैकलॉग कवर कर सकते हो आप रिविजन कर सकते हो आप उस संडे को थोड़ा हल्का बना सकते हो ताकि आप अपने लिए टाइम निकाल सको आप खुद मजे भी कर सको ठीक है सो साड़ी मटेरियल का वाइजली यूज करना है प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैथ्स वगैरह हो साइंस वगैरह गो थ्रू करते रहो देखो आपके पास अभी टाइम है रिसर्च करने का रिसर्च से मेरा मतलब आप समझ सकते हो किस टाइप के पेपर आते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं किस टाइप से मुझे तैयारी करनी चाहिए आप अपनी स्ट्रेटजीज बना सकते हो इसी के साथ हमारा टिप नंबर जो 4 है वो है प्रैक्टिस करो आंसर लिखते कैसे एक बहुत बड़ा इश्यू फेस होता है एंड बीइंग एन इंग्लिश टीचर मैं समझ सकती हूं कि इंग्लिश में हम लोग फेस करते हैं या थियोरिटिकल सब्जेक्ट्स जो है हमारे हिस्ट्री वगैरह हम उसमें फेस करते हैं कि आंसर कैसे लिखे जाए लास्ट मोमेंट में चार दिन में हम लोग आंसर लिखने का कोई एक हमें वीडियो देख लेंगे कुछ आ जाएगा तो हम आंसर लिखना सीख जाएंगे चार दिन के अंदर आ जाएगा तुम्हें आंसर लिखना बट परफेक्शन नहीं आएगा परफेक्शन उसी बच्चे को आएगा जो स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करके चल रहा है लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए राइटिंग एक स्किल है आपके पास पूरा साल है उस स्किल को डेवलप करने के लिए उस स्किल को डेवलप कीजिए प्रैक्टिस करिए आप आंसर्स कैसे लिख सकते हो और ये टिप आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाली है सभी ऑल थ्रू आउट योर लाइफ आप इलेवेंथ में जाओगे आप ट्वेल्थ में जाओगे ये चीज़ जो है ये आपको काफ़ी प्रैक्टिस कर आ, मदद करके चलेगी ये प्रैक्टिस जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करके चलेगी इसी के साथ हमारी जो टिप नंबर फाइव है मेक प्रॉपर नोट्स वाइल स्टडीइंग आप जब भी पढ़ रहे हो जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो आपने अपना प्रॉपर स्टडी टाइम टेबल बनाया है उस बीच आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए एक बच्चा गलती तब करता है जब वो ना यहाँ पे अपने सामने बुक्स खोल करके बैठ जाता है वीडियो खोल करके बैठ जाता है और केवल उनको देखता है और सब सोचते हैं कि मैं दिमाग में रख लूंगा और मुझे याद रहेगा नहीं यार हमारे दिमाग में बहुत सी चीजें होती हैं हम भूल जाते हैं ठीक है ठीके? सबसे बेहतरीन तरीका होता है आप जहां से भी स्टडी कर रहे हो आप वीडियोज से या फिर आप अपनी बुक से स्टडी कर रहे हो आपके पास एक खुद की नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप जो कुछ भी सीख रहे हो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसे नोट डाउन कर सको ताकि आज नहीं कल नहीं एक महीने बाद दो महीने बाद अगर आप भूल जाओ तो आप उसको देख करके तुरंत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने दिमाग में वापिस से लेकर के आ सको ताज़ा कर सको वो वीडियो एक घंटे की दो घंटे की दोबारा ना देखनी पड़े ये एक टिप है जो बच्चे नहीं फॉलो करते हैं बेसिकली सिर्फ वीडियो खोल करके बैठ जाएंगे बुक खोल करके बैठ जाएंगे और सोचेंगे पढ़ लेंगे तो हो जाएगा एंड लास्टली जो टिप नंबर फाइव हमारी हो चुकी है और लास्टली जो प्रो टिप है जो मैं आपके लिए देना चाहती हूँ वो है रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज ये स्टेप हम भूल जाते हैं हम ध्यान नहीं देते हैं हमारे लिए ये स्टेप बहुत ही बकवास होता है क्योंकि रिविजन क्या है यार है ना बिना रिविजन के पढ़ तो लिया है अब याद रहेगा फिर बाद में जो है हम कंप्लेन भी करते हैं कि मैं सब तो पढ़ता हूँ बट मुझे याद नहीं रहता याद कैसे रखूं ऐसे टन्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं कमेंट्स आते हैं कि मैम पढ़ता बहुत हूं मेरे पास मतलब हमने देखा है पेरेंट्स परेशान होते हैं अपने बच्चे की इस प्रॉब्लम को लेकर के कि मेरा बच्चा पढ़ता तो बहुत है बट इसे याद नहीं रह पाता पूरे साल पढ़ता है एग्जाम में जाकर के भूल जाता है रिविजन की कमी है यही है हम रिवाइज नहीं करते हैं हम प्रॉपर तरीके से उस पर ध्यान नहीं देते हैं अगर हम रिविजन करके चलेंगे हम प्रॉपर तरीके से जो चीज़ हमने याद करी है उसको दोहरा करके चलेंगे तो हमें याद रहेगा एक ह्यूमन ब्रेन की टेंडेंसी होती है कि हम सारी इंफॉर्मेशन नहीं स्टोर कर सकते हैं ठीक है सच में ये ना एक्चुअल में वो वन टीबी या जी जीबी वाला कोई आ, स्टोरेज ड्राइव नहीं है जिसके अंदर आपने फीड कर दिया तो सब कुछ वैसा ही रहने वाला है हम भूल जाते हैं बहुत सी चीजें भूल जाते हैं छोटी मोटी चीज़ें भूल जाते हैं इंपॉर्टेंट एक आधे पॉइंट्स भूल जाते हैं कुछ कुछ याद रहेगा कुछ कुछ भूल जाएंगे लेकिन आप जितना रिवाइज करोगे आप अपने ब्रेन को उतना ज़्यादा ट्रेन कर रहे हो कि वो उतनी इन्फॉर्मेशन होल्ड कर सकेगा अपने अंदर और फिर आपको एग्जाम में हेल्प करेगा सो रिविजन इज मस्ट इस प्रो टिप को जरूर फॉलो करें और ये थी मेरी तरफ से आपके लिए कुछ फाइव टिप्स क्योंकि आप अपनी क्लास टेंथ को शुरू करने वाले हो एंड आई सीरियसली डोंट वॉन्ट कि मेरे स्टूडेंट्स सिर्फ ये सोचे कि पढ़ाई एक सजा है और उस सजे सज़ा में बिल्कुल भी मज़ा नहीं है और इस बारी नाइन्थ तक मजा किया था टेंथ में मजा नहीं कर सकते हाँ मजा नहीं कर सकते हो अगर इन टिप्स को फॉलो नहीं करोगे तो लेकिन अगर इन टिप्स को ढंग से फॉलो करके चलते हो वाइजली रिलीजियसली तब टेंथ क्लास तुम्हारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्लास बन सकती है और इन कुछ सालों को टेंथ फिर इलेवेंथ आएगा ट्वेल्थ आएगा इन सालों को तुम अपनी लाइफ के बहुत ही बेहतरीन साल बना सकते हो जिसको तुम पीछे जाकर के ऐसे मुड़ करके देखोगे और सोचोगे यार कितने मजे किए थे मैंने आई स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन टेंथ इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ बट मैंने बहुत मजे भी किए थे वो मेरे लिए कभी सज़ा नहीं बनी और यही सीख के साथ जो है मैं बोलना चाहती हूँ कि यू ऑल आर सेट टू गो ठीक है बहुत ही बेहतरीन तरीके से तुम लोग तैयार हो इन टिप्स को फॉलो करो अच्छे से और साथ ही साथ चैनल पे तो जुड़े ही रहना है क्योंकि सारी तैयारी तो हम यहाँ पर करवाएंगे ही ठीक है so, सो इस आइडिया के साथ अब मैं आपसे मिलूंगी अगली बारी तब तक के लिए बाय टेक केयर एंड थैंक यू सो मच